નમદા જિલ્લો ગુજરાતની બોર્ડર છે આ બોર્ડરથી કોઈપણ જાતનો નશીલા પદાર્થો કોઈ ઘુસાડે નહીં અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાંથી વિદેશી દારૂ ઘુસાડે નહીં એ બાબતે કડક ચેકિંગ કરવામાં આવી રહી છે પેટ્રોલિંગ પણ સતત નર્મદા પોલીસની ટીમ કામ કરે છે જિલ્લામાં કોઈ પણ નાગરિક નશો કરીને વાહન ચલાવતો હોય એવા ચાલકોને પણ ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યા છે અધિકારીઓ અને પોલીસ કર્મીઓ મળી બસ્સોથી વધુ પોલીસ જવાનો આ ચેકિંગમાં હાથ લાગેલા છે મહિનામાં સતત ચેકિંગ કરતા બે મોટા ટ્રક નાની ગાડીઓ સહિત લાખોનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં નબદા પોલીસ સફળ રહી છે જિલ્લામાં વીસથી વધુ ચેકિંગ પોઈન્ટ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે દીપક જગતાપ જડેશ ટીવી રાજપીપરા नमस्कार मैं प्रशांत सुंबे एस नर्मदा नर्मदा ज़िला की जो हद है वो महाराष्ट्र और गुजरात के आ, साथ में लगती है और महाराष्ट्र से जो थर्टी फर्स्ट दिसंबर आ रहा है तब उस समय में दारू की और जो मूवमेंट होने की संभावना है उसको ध्यान में रखते हुए नर्मदा पुलिस काफ़ी तरीके से सतर्क है पिछले आ, कुछ दिनों से हमने पेट्रोलिंग और नाका भी बढ़ा दिए है और पिछले आठ दस दिन में हमारे काफ़ी अच्छे खासे सजर भी हुए आने वाले चार से पाँच दिन में और खास करके तीस और इकतीस तारीख को पूरे जिले भर में अलग अलग, अलग जगह पंद्रह से बीस जगह पर नाके लगाए रहे लगा रहे हम और दो से तीन पुलिस फोर्स इस नाका पॉइंट्स के ऊपर चेकिंग करेगी हमारा खास करके ध्यान जो रहेगा वो जो लेकर के इलीगल मूवमेंट है वो ड्रंक एंड ड्राइव जो करते हैं उनके ऊपर खास करके क्योंकि उससे एक्सीडेंट की संभावना भी बढ़ती है और ये गुना भी है और अन्य भी कोई गैरकायदेसर प्रवृत्ति इस समय में ना हो और लोग शांति से अपने नए साल का सेलिब्रेशन कर पाए इसके लिए नर्मदा जिला पुलिस काफ़ी सतर्क है और इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं पिछले दस दिन में हमने दो बड़े लेकर के सीजर किए हैं डेढ़ियापाड़ा और सागबरा विस्तार में जहाँ पे हमने दो बड़े ट्रक लेकर के पकड़े और इसके अलावा भी छोटी गाड़ियों में भी मीडियम साइज के शिजर डेढ़ियापाड़ा गरुडेश्वर और तिलकवाड़ा में हुए हैं आ, हमारी सेलम्बा के पास में धनशहरा करके एक चेक पोस्ट है जो अंतर्राज्य चेक पोस्ट है और वहाँ से काफ़ी बड़ा हाईवे निकलता है तो वहाँ पे हमने ट्वेंटी फोर बाई सेवन की चेक पोस्ट शुरू की है और उस चेक पोस्ट पर बॉडी ऑन कैमरा और सारे चेक ऊपर बॉडी ऑन कैमरा और उसके निगरानी में गाड़ियों की चेकिंग होकर ही वहाँ से गाड़ियाँ निकल से